देख सकते हो क्या ही खतरनाक इमोट दिया गैरिना ने, वो भी एकदम फ्री। आप लोग को कैसे मिलेगा वीडियो में एंड तक बने रहना, पता चल जाएगा एकदम फ्री आपको ये वाला इमोट मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बिकॉज भाई OB40 के अपडेट के बाद गेम में एक नए सेक्शन को ऐड कर दिया एंड वहां के थर्ड वाले ऑप्शन में अचीवमेंट सेक्शन है, जहां पर आप लोग को फ्री में काफी सारे इमोट, व्हीकल्स की स्किन, ग्रेनेड स्किन, लूट बॉक्स स्किन और भी काफी सारे एविटर बैनर आपको फ्री में मिल रहे हैं। ये वाला सेक्शन आप लोग देख सकते हो, अचीवमेंट कैटेगरी रिवॉर्ड, ये सारे रिवॉर्ड्स आपको एकदम फ्री मिलने वाले हैं। एंड आप लोग ये वाला इमोट देखो, जिसका एनिमेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है। एंड ये इमोट आपको एकदम फ्री में मिलने वाला है, जस्ट आपको कुछ मिशंस कंप्लीट करने हैं, बट मिशन यहाँ पर थोड़ा से हार्ड रहने वाले हैं, वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग को कैसे ये मिशंस कंप्लीट करने हैं। एंड इसको क्लेम करने के लिए आपको 8000 पॉइंट्स चाहिए, एंड वो पॉइंट आपको कैसे कलेक्ट करने हैं यही सब कुछ आपको आज की वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही आप लोग और भी काफी सारे रिवॉर्ड्स देख सकते हो, पैंट, शर्ट, शूज और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ ये मिशन कंप्लीट करने हैं। ऑटो का स्किन एंड एक और व्हीकल का स्किन है, टोटल 4 व्हीकल की स्किन आपको एकदम फ्री मिलने वाले हैं। एंड बाइक का स्किन देखो कितना ज्यादा ओपी लग रहा है, यहाँ पर जो स्पीडोमीटर दिख रहा है वो एकदम नेक्स्ट लेवल लग रहा है। एंड लास्ट हमारा लैम्बोर्गिनी का स्किन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको इवेंट सेक्शन में लेके चले जाता हूँ, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स को नहीं पता कि ये इवेंट है कहाँ पर। आप लोग का बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार उससे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, उसे बुरा लगता है भाई। सो इवेंट को ओपन करने के लिए आपको अपने लेफ्ट साइड पे FF का ऑप्शन आ रहा होगा, थर्ड वाला जो सेक्शन है अचीवमेंट वाला सेक्शन, उस पे क्लिक करते ही आपको कुछ ये मिशंस देखने को मिलेंगे। एंड इन्हीं मिशन को कम्प्लीट करके आपको फ्री में रिवॉर्ड मिलेंगे। एंड ये मिशन काफी ज्यादा हार्ड रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये मिशन है क्या। फर्स्ट जो हमारे पास मिशन है, आपको 20 लेवल करना है, 50 लेवल करना है एंड 80 लेवल करना है। अगर आप लोग 80 लेवल तक कर लेते हैं तो आपको 170 ट्रॉफीज मिलेंगी एंड साथ ही आप लोग को फ्री में ओल्ड एंड गोल्ड वाला टाइटल मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा ओपी लग रहा है एंड काफी ज्यादा शाइन कर रहा है अपडेट के बाद। मुझे पता है काफी सारे प्लेयर इस वीडियो को यहीं पर ही क्विट कर देंगे, लेकिन मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोग को 8000 ट्रॉफीज चाहिए सिर्फ एक इमोट को क्लेम करने के लिए, और वो सारे इवेंट के रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आपको मिनिमम 20000 ट्रॉफीज चाहिए। एंड यहाँ पर एक और सेक्शन है जहाँ पर आपको ट्रॉफी मिलेंगी, और इस सेक्शन में आप लोग को बहुत कम ट्रॉफी मिलेंगी, लेकिन जो नेक्स्ट सेक्शन है वहां पर आप लोग को बहुत ज्यादा ट्रॉफी मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड सेकंड जो हमारा मिशन है उसमें आप लोग को 5 टाइम क्लैश स्क्वाड खेलना है, 30 टाइम क्लैश स्क्वाड खेलना है एंड 100 टाइम क्लैश स्क्वाड रैंक खेलना है, तो फिर से आपको 170 ट्रॉफीज मिलेंगी। आपको 50 फ्रेंड्स बनाने हैं, 100 फ्रेंड्स बनाने, 200 फ्रेंड्स बनाने एंड जैसे आप लोग ये मिशन कंप्लीट करोगे तो आप लोग को फिर से 170 ट्रॉफीज मिलेंगी, और साथ ही आप लोग को वेल कनेक्टेड का एक टाइटल मिलेगा जो कि काफी ज्यादा ब्लू कलर में शाइन करता है। नेक्स्ट जो आपका मिशन है उसमें आप लोग को 1000, 3000 एंड 5000 लाइक्स चाहिए, जिसको कंप्लीट करते ही आपको फिर से 170 ट्रॉफीज मिलेंगी, बट इसमें आप लोग को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका मिशन है, आपको 10 कैरेक्टर्स अपनी आईडी में लेने हैं, 30 कैरेक्टर एंड 50 कैरेक्टर आपको लेते ही 170 ट्रॉफीज मिलेंगी एंड एक टाइटल मिलेगा, मतलब आपकी आईडी में टोटल 50 कैरेक्टर्स होंगे तभी आप लोग को 170 ट्रॉफीज मिलेंगी एंड टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट जो मिशन है, 20 इमोट्स आपकी आईडी में होने चाहिए, 50 इमोट्स एंड टोटल 100 इमोट्स आपकी आईडी में होने चाहिए, आपको एक्टर वाला टाइटल मिलेगा और साथ ही 170 ट्रॉफीज मिलेंगी। नेक्स्ट जो मिशन है उसमें आप लोग को 2 ईवो गन्स चाहिए, तो आप लोग को सिर्फ 20 ट्रॉफीज मिलेंगी। 6 ईवो गन होने पर आप लोग को एक टाइटल मिलेगा जो कि ईवो लोशंस का है एंड अगर आप लोग की आईडी पे 12 ईवो गन्स है तो आपको ईवो किंग वाला टाइटल मिलेगा। जो हमारा सेकंड वाला टाइटल है वो ब्लू कलर का शाइन करता है, बट जो थर्ड वाला टाइटल है जिसमें आप लोग को 12 ईवो गन्स चाहिए, उसका टाइटल गोल्डन कलर में शाइन करता है एंड काफी ज्यादा बढ़िया एनिमेशन है उसका। तो मेक श्योर अगर आप लोग की आईडी में 12 ईवो गन्स है तो आप लोग उसको जल्दी से क्लेम कर लो। नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है हर्ट वाला, इसमें आप लोग को 20 टाइम्स अपने टीममेट्स को रिवाइव करना है, सेकंड मिशन में 35 टाइम एंड थर्ड मिशन में आप लोग को 50 टाइम एंड इसमें भी आप लोग को एक ब्लू कलर का टाइटल मिलेगा एंड 170 ट्रॉफीज मिलेंगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट मिशन है उसमें आप लोग को BR रैंक में 2 आर्सेनल, 10 आर्सेनल एंड टोटल 30 आर्सेनल को ओपन करना है, जिसमें आप लोग को टोटल
टोटल 170 विनिंग ट्रॉफी मिलेगी लेकिन कोई टाइटल नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट हमारा मिशन है आप लोग को 2 times डिफेंस के एयर ड्रॉप लूटने हैं, 10 times है टोटल 30 times आपको लूटने हैं। ये मिशन आपके गेम खेलते हुए ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ये जितने भी मिशन है ना इनके फर्स्ट लेवल में आप लोग को 20 trophy, सेकंड लेवल में 50 trophy एंड थर्ड लेवल में आपको 100 trophy मिलेंगी। एंड तीनों ही लेवल कंप्लीट करते ही टोटल 170 trophies मिलेंगी। एंड इनमें से टोटल 20 missions कंप्लीट करने पे आपको एक टाइटल मिलेगा, 4 titles जो कि गोल्डन कलर के जो कि काफी ज्यादा शाइनिंग करते हैं। बाकी के जो 16 titles हैं वो आप लोग को ब्लू कलर के मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है CS फेमस का, मतलब इसमें आप लोग को स्पेशली गन्स के वेपन ग्लोरी टाइटल्स चाहिए होंगे। फर्स्ट लेवल के लिए 5, सेकंड लेवल के लिए 25 एंड लास्ट लेवल के लिए आप लोग को 50 titles चाहिए होंगे वेपन ग्लोरी के। एंड सच बोलो ना तो काफी सारे इवेंट्स आपके इजीली क्लेम हो जाएंगे लेकिन आपको काफी सारी ट्रॉफीज चाहिए होंगी। अगर आप लोग को वो रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको काफी सारे मिशन कंप्लीट करने होंगे। ऐसे बहुत से मिशंस में आप लोग को गन्स की स्किन चाहिए, इसमें आप लोग को टोटल 60 guns की स्किन चाहिए, 30 shotgun guns की स्किन चाहिए एंड 12 आपको मशीन गन की स्किन चाहिए, 25 मार्क्समैन राइफल यानी कि AC-80 वुडपैकर SVD एंड यहाँ पर स्नाइपर गन की जैसे M82B AWM Kar-98 की स्किन चाहिए आपको, मिली वेपन्स की स्किन चाहिए 60, टोटल 40 ग्लूवल्स की स्किन चाहिए, 8 फीस्ट की स्किन चाहिए, 40 ग्रेनेड्स की स्किन चाहिए। नेक्स्ट मिशन भी काफी ज्यादा इजी है, आप लोग को BR रैंक में 1 बार हीरोइक जाना है, 3 बार हीरोइक जाना है, 10 बार हीरोइक जाना है एंड 10 times हीरोइक जाते आपको BR हीरो का टाइटल मिलेगा और सेम 170 trophies मिलेंगी। नेक्स्ट जो मिशन है CS रैंक में 1 time हीरोइक जाना है, 20 trophies मिलेंगी, 3 time हीरोइक जाने पर आप लोग को 50 trophies मिलेंगी एंड 10 times हीरोइक जाने पर आप लोग को एक टाइटल मिलेगा एंड 100 trophies मिलेंगी एंड टाइटल आपको मिलेगा CS हीरो का। नेक्स्ट में आप लोग को 3 times ट्रिपल किल ग्रेनेड से करने हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज्यादा किल ही करने हैं ग्रेनेड से। एंड ये वाला जो मिशन है ना काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोग को ग्रेनेड से क्वाड्रा किल करने हैं एंड अगर आप लोग 3rd level तक पहुंच जाते हो तो आपको मिलेगा बूम बाम वाला गोल्डन कलर का टाइटल। सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था बट मेरी स्क्रिप्ट थोड़ा डिले हो गई थी। बट जो हमारा नेक्स्ट मिशन है इसमें भी आप लोग को गोल्डन वाला मिलेगा एंड इसमें आप लोग को मतलब 1st level, 2nd level, 3rd level तीनों में ही टाइटल मिलेंगे। अगर आप लोग को गेम खेलते हुए 365 days हो गए तो 1 year का मिलेगा, अगर आप लोग को गेम खेलते हुए 730 days हो गए तो आपको 2nd level वाला मिलेगा एंड अगर आप लोग को 1461 days गेम खेलते हुए हो गए तो आप लोग को गोल्डन वाला 4 years का टाइटल मिल जाएगा। बात कर लेते कि आपको ज्यादा ट्रॉफीज कहाँ पर मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 40 missions है। जब आप लोग बैटल पे जाओगे तो बैटल में आप लोग को सारे मिशन क्लेम करने पे ज्यादा ट्रॉफीज नहीं मिलेंगी एंड कलेक्टर में मेरे पास 910 एंड करियर में 670 ट्रॉफीज हैं जो कि टोटल मिला के होती हैं 1600 एंड अगर मैं इन सभी मिशन को कंप्लीट भी कर देता हूँ ना तो भी मेरे को सिर्फ 6800 ही ट्रॉफीज मिलेंगी, तो मेरे को वो 8000 वाला इमोट कैसे मिलेगा? बताता हूँ लेकिन उससे पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। देखो यहाँ पर हॉल में जब आप लोग आओगे एंड इवेंट वाले सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि तुमको टोटल सिर्फ 8000 ट्रॉफीज चाहिए एंड तुम्हारे सारे मिशन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग 1000 points से एक को क्लेम करते हो रिवॉर्ड को तो तुम्हारी ट्रॉफी माइनस होंगी, ऐसा नहीं है। टोटल तुम लोग को 8000 ट्रॉफीज चाहिए एंड इसके और भी इवेंट्स आने वाले हैं जिसमें आप लोग को ट्रॉफीज मिलेंगी क्योंकि यहां से तो आपको टोटल 8000 ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। तो तब तक नए इवेंट का वेट करो। आग लगा दी, आग लगा।